हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू सारथी एजुकेशन। एमपीपीएससी, एसएससी, व्यापम, मध्य प्रदेश के दूसरे एग्जाम, बैंक और यूपीएससी, एसएससी, इन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट मेरा करंट अफेयर कोर्स मई 2019 डेली करंट अफेयर। और ये इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे 8th of May 2019 के करंट अफेयर के बारे में। उसके साथ ही आप इस लेक्चर की पीडीएफ मेरी जो वेबसाइट है yourcivilsarthi.com उसके ऊपर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अभी जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको डिफरेंट सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ पे दी हुई है, तो आप वहां पर जाके मेरा फेसबुक, देन इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी सोशल मीडियाज पर जाकर जो है वो सारथी एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं अभी 8th of May 2019 के करंट अफेयर के बारे में। तो कुछ इमेजेस के द्वारा आप समझ गए होंगे किन किन टॉपिक्स के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। पहले टॉपिक की यहाँ पर बात करें तो ग्रिजल गेंड स्क्विरल जो है उसको पहली बार जो है वो जिंजी जो एरिया है तमिलनाडु का, वहां पर देखा गया है। ये जो जाइंट स्क्विरल या फिर एक विशालकाय जो गिलहरी आप बोल सकते हो, ये एक इम्पोर्टेंट विशाल इम्पॉर्टेंट एक गिलहरी है जो इस एरिया के अंदर बहुत रेयरली यहाँ पे पाई जाती है। तो अभी इस गिलहरी के जो है 300 नेस्ट 300 उसके जो घोंसले हैं, वो घोंसले यहाँ पर जो पक्कमलाई रिजर्व है, फॉरेस्ट है इन द जिंजी तमिलनाडु में, वहां पर पाया गया है इन द ईस्टर्न घाट। और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनके लिए, क्योंकि ये रेयरली जो है इस एरिया के अंदर यहाँ पे पाई नहीं जाती है। तो 300 से ज्यादा घोंसले इस गिलहरी के यहाँ पे देखे गए हैं। इट्स बेसिकली एजाइल क्लाइंबर, कि जनरली पेड़ के ऊपर ही रहती है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ये धरती के ऊपर आती है। तो हमेशा पेड़ के ऊपर रहने वाली, जनरली आपने देखा होगा कि जो गिलहरी है वो पेड़ जो है वो पेड़ से उतर के नीचे भी आती है। लेकिन ये सिर्फ अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई उनको प्रेडेट करना चाहता है या कोई उनका उनको शिकार करना चाहता है, तो उसी केस के अंदर जो है ये नीचे उतर के आती है पेड़ से, अदरवाइज पूरे टाइम पर ये पेड़ के ऊपर ही रहती हैं। तो बहुत ही फुर्तीली रहती हैं और जनरली अपने पहाड़ों के ऊपर या फिर अपने जो आपके जो पेड़ हैं पेड़ों के ऊपर ये रहती हैं। ओके, उसके अलावा इसकी बात करें तो जितने भी जाइंट स्क्विरल हैं, जितने भी बड़ी गिलहरियां हैं, उनके अंदर से ये गिलहरी जो है वो सबसे छोटी है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मिलती है। वैसे इससे छोटी गिलहरियां भी होती है, लेकिन जाइंट स्क्विरल की एक अलग अलग पूरी एक प्रजाति है और उस अलग प्रजाति के अंदर जो है यहाँ पर ये सबसे छोटी है। ओके, तो 1988 में 1988 के अंदर यहाँ पे ग्रिजल स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो तमिलनाडु के अंदर एस्टैब्लिश की गई थी। और उसके बाद वहां पर उसके उसके उत्थान के लिए, उसको फिर से सरवाइव करने के लिए यहाँ पर लगातार कोशिश है 1988 से की जा रही है। अभी जो है ये एक सफलता यहाँ पे मिली जहाँ पर 300 इनके घोंसले मिले हैं। इसको IUCN के जो है वो नियर थ्रेटेंड की जो लिस्ट है उसके अंदर यहाँ पे डाला गया है। साथ ही जो आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है उसके अंदर भी इसके शेड्यूल 1 के अंदर इसको डाला गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्च यहाँ पर किया है। अगली खबर की बात करें तो जीडी रॉबर्ट जो है उनको वीके कृष्णा मेनन अवार्ड 2019 जो है उस अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। जीडी रॉबर्ट गोवेंडर जो है वो इंडियन ओरिजिन के एक साउथ अफ्रीका में रहने वाले हैं, जिनको वीके मेनन के नाम से जो अवार्ड है वो अवार्ड दिया गया है। बेसिकली इन्होंने पोस्ट कॉलोनाइजेशन पीरियड के अंदर या डीकोलोनाइज जो जर्नलिज्म है, कि जो उपनिवेशवाद के बाद जो जर्नलिज्म या जो पत्रकारिता उभरी है, तो उस पत्रकारिता के अंदर उन्होंने अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और उसको एक तरीके से उसकी शुरुआत जो है वो दुनिया के अंदर इन्होंने की थी। उसके लिए उनको यहाँ पर अवार्ड, मरणोपरांत उनको पोस्टमसली अवार्ड दिया गया। ये जो अवार्ड है ये वीका कृष्णा मेनन एक इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा दिया जाता है। और अभी रिसेंटली जो वीके कृष्णा मेनन की 123rd बर्थ एनिवर्सरी है, उनके जन्म की 123वां जो वर्ष था उसके अवसर पर इनको यहाँ पे दिया गया। ही वॉज वन ऑफ द फेमस इंडियन डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन। ठीक है, आजादी के बाद जो है वो भारत के हाई कमीशन के रूप में भी इन्होंने काम किया इन द इंग्लैंड के अंदर, मतलब भारत के पहले ब्रिटेन के अंदर हाई कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किए गए बाय द प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जो है वो 1957 से 62 तक, मतलब जब चाइना वॉर था, तो चाइना वॉर के समय पे ये भारत के रक्षा मंत्री थे और उस समय पे काफी इनके ऊपर सवाल उठाए गए थे कि अभी इनकी जो लैविश लाइफ पॉलिसी लाइफ है उसके कारण जो है उन्होंने भारत के डिफेंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया और उसके कारण हम चाइना के साथ में वॉर हार गए। वैसे कितना भी ध्यान देते तो चाइना के साथ में युद्ध शायद हम कभी जीत नहीं पाते, हमारी उस समय पे इतनी ज्यादा
जो पॉसिबिलिटीज है वो पॉसिबिलिटी मतलब इतने ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ जो है उस समय पे नहीं थी। उसके अलावा इनके नाम एक रिकॉर्ड है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जब कश्मीर का मुद्दा उठाया गया, उसका इशू उठाया गया, तो भारत के डिप्लोमेट के रूप में उन्होंने वहां पर पार्टिसिपेट किया और कश्मीर के इशू पे 8 घंटे तक लगातार उन्होंने स्पीच दिया, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इतिहास के अंदर अब तक की जो है वो सबसे बड़ी सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो स्पीच के रूप में जो आपकी जो भाषण है वो भाषण के रूप में यहाँ पे दर्ज है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो 8 मई को मनाया गया बसवा जयंती जो है सेलिब्रेट की गई, और कौन है बसवा उनके बारे में थोड़ा हम बात कर लें तो ये बेसिकली हिंदू जो धर्म के अंदर हिंदू कंदर पॉइंट है, जो 12th सेंचुरी के अंदर 12वीं शताब्दी के अंदर जो है इनका जन्म होता है, और एक तरीके से पूरा जो कन्नड़ एरिया है वहां पर भगवान शिव की भक्ति जो है उसको लेके उन्होंने अपने कई उस समय पे प्रवचन वगैरह दिए, अपने भजन वगैरह है उसके द्वारा उन्होंने भगवान शिव की जो भक्ति है उसको पूरे साउथ इंडिया के अंदर वहां पर सेलिब्रेट किया, उसको जो है वहां पे फेमस किया था। बेसिकली जो लिंगायत कम्युनिटी होती है आपके साउथ के अंदर स्पेशली कर्नाटक के अंदर, वो लोग जो है वो इनको मानते हैं, और लिंगायत कम्युनिटी बेसिकली दे फॉलो द वीर शैव या फिर बसवन्ना जो है उनको सेलिब्रेट करते हैं, तो इनको वीर शैव भी कहा जाता है, बसवन्ना भी कहा जाता है, और जो कम्युनिटी है कम्युनिटी इज कॉल्ड द लिंगायत कम्युनिटी के नाम से इस कम्युनिटी को जाना जाता है। अभी रिसेंटली जब कर्नाटका में इलेक्शन हुए थे तो समय पे कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर दावा किया था कि इनको अगर उनकी सरकार आती है तो इनकी जो कम्युनिटी है उसको एक माइनॉरिटी एक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा, जिसका काफी विरोध भी हुआ था। तो भगवान जो बसवन्ना है वो एक बहुत ही पारंपरिक यहाँ पर इस एरिया के अंदर कवि है। अभी बसवन्ना जो है वो 12th सेंचुरी जैसा बताया कि एक फिलोसोफर्स है, और उसके बाद यहाँ पर जो उस समय पे जो कर्मकांड हुआ करते थे या फिर वेद का प्रचार हुआ करता था उसको ये वहां पर डिनाई करते थे कि जो भी अल्टीमेट रियलिटी है, जो अंतिम जो सत्य है वो भगवान शिव हैं, शिव की पूजा करना चाहिए, जो कर्मकांड है और दूसरे जो वेद वगैरह की पूजा पाठ है वो सब कुछ ढकोसले हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। और उसी के साथ में उन्होंने लिंगायत जो कम्युनिटी है लिंगायत कम्युनिटी का एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने वहां पे किया था। उसके बाद यहाँ पे एक लंबे समय तक उन्होंने यहाँ पे एक बिज्जल किंगडम हुआ करता था यहाँ पे, जो आपने अगर एक मूवी देखी होगी आपकी बाहुबली, उसके अंदर एक बिज्जल देव था, तो वो नाम यहीं से इंस्पायर था। तो बिज्जल किंगडम हुआ करता था साउथ इंडिया के अंदर, और वहां पर जो है उन्होंने अनुभव मंडप या फिर अनुभव मंडप के रूप में यहाँ पर उन्होंने एक स्टार्टिंग किया, जहाँ पर एक तरीके से पार्लियामेंट जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन होता था, और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो जितने भी लोग हैं अलग अलग गांव के सभी लोग आके वहां पर बैठते, तो एक तरीके से जो मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कहीं ना कहीं जो उन्होंने वहां पर दिया था। खैर बाद में जो उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम था वो रिलीजन के डिस्कशन के, धर्म के डिस्कशन के, स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए भी यहाँ पे वो रह गया। तो अभी जो है वो माना जाता है कि पार्लियामेंट का जो स्टार्टिंग सिस्टम है या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वहां पर उन्होंने लाने की शुरुआत वहां पे की थी। उसके साथ उनको भक्ति भंडारी भी कहा जाता है, मतलब ट्रेजर ऑफ डिवोशन, की जो डिवोशन है जो अध्यात्म है उसके भगवान या फिर बसवनेश्वर या फिर भगवान बसवन्ना या लॉर्ड बसवन्ना के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो एक जो पॉलिटिकली आप देखोगे तो लिंगायत कम्युनिटी काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ में पिछले 2-3 साल से लिंगायत जो कम्युनिटी है उनको यहाँ पे उनको साथ में लेने के लिए लगातार जो है बसवन्ना वगैरह जो है उनको लगातार उनका पूजा पाठ वगैरह किया जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अभी पिछले कुछ सालों के अंदर चीजें निकल के आई है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो जस्ट वेट, अगली खबर की बात करें तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क सीमा संगठन जो है उसका 59th रेजिंग डे, उसका 59वां जो है वो स्थापना दिवस 7 मई को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। तो BRO जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ऑन द 7th ऑफ मई 1966 में, 7 मई 1960 के अंदर। नीचे आपको जो लोगो दिख रहा है ये BRO का ही यहाँ पे लोगो है। तो बेसिकली बॉर्डर वाले एरियाज के अंदर स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के अंदर और आपके इंडिया के नॉर्थ एरिया के अंदर जो बॉर्डर वाले एरिया हैं इन एरियाज के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपको जैसे रोड वगैरह बनाना है या कोई और आपके बॉर्डर के एरिया के अंदर एस्टेब्लिशमेंट करना है, तो ये BRO द्वारा किया जाता है। क्योंकि नॉर्मल आपका जो PWD डिपार्टमेंट है वो वहां पर उसको कैपेबिलिटीज नहीं होती है कि वो हाई टेरेन जो है कोई ऊंचे पहाड़ वगैरह है उनके एरियाज के अंदर जाके वहां पे एस्टेब्लिशमेंट कर सके, क्योंकि इनके साथ में जो आर्मी है आर्मी का और BSF का बैकिंग रहता है या ITBP की जो भी उनका बैकिंग रहता है, और उनके बाद खुद की अपनी फोर्सेज होती है, तो उसके कारण जो है वो सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर वो
रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, ठीक है। अभी आर्मी को अगर युद्ध के अंदर तुरंत किसी ब्रिज की जरूरत है तो तुरंत जो है ये कैंटिलीवर ब्रिज वगैरह बना के आर्मी की हेल्प वहां पे करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जो सीमा क्षेत्रों के अंदर सड़क का निर्माण या फिर ब्रिज वगैरह का निर्माण करता है। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो आपका डिफेंस मिनिस्ट्री है या फिर उनका जो रक्षा मंत्रालय है उसके अंतर्गत यहाँ पे काम करता है। ओके, उसके बाद अगली खबर की बात करें तो इंडिया जो है वो आर्कटिक काउंसिल के ऑब्जर्वर के रूप में, उसके पर्यवेक्षक के रूप में जो है फिर से इंडिया का इलेक्शन जो है यहाँ पर इसके अंदर हो गया है। तो 11th आर्कटिक काउंसिल की जो मीटिंग है वो मीटिंग यहाँ पर फिनलैंड के रोवमिनी करके एक जगह है, इट्स कॉल्ड रोवनिमी, उसके अंदर यहाँ पे आयोजित की जा रही थी, जिसके अंदर भारत और दूसरे 13 देशों को यहाँ पे ऑब्जर्वर के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ओके, तो अगर आर्कटिक काउंसिल की बात करें तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था 1996 के अंदर बाय द ओटो डिक्लेरेशन के द्वारा, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जो आर्कटिक कंट्रीज, जो एरिया है आर्कटिक का, उसके आसपास जो कंट्रीज हैं उनको जो है आर्कटिक काउंसिल के अंदर शामिल किया गया है, जिसका हेड ऑफिस जो है वो ट्रॉम्सो नॉर्वे के अंदर एस्टैब्लिश है। कौन कौन से कंट्रीज हैं? रशिया, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, देन आपका डेनमार्क। डेनमार्क बेसिकली ग्रीनलैंड और जो फैरो आइलैंड है इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट। ये 8 यहाँ पर इसके जो संस्थापक सदस्य हैं, और ये 8 सदस्य जो हैं वो आर्कटिक काउंसिल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इस साल जो है वो आइसलैंड जो है उसका चेयरमैन है, मतलब रोटेटिंग चेयर यहाँ पर होती है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। तो आइसलैंड जो है अभी इसका यहाँ पे इस वर्ष के लिए यहाँ पे इसका चेयरमैन है। अभी बात यह है कि भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत क्यों उसका पर्यवेक्षक या फिर जो उसका ऑब्जर्वर बनने गया, तो उसके लिए देखो क्या है कि भारत, अभी ये माना जाता है कि इंडिया का जो मानसून है वो कहीं ना कहीं जो है हम उसको प्रेडिक्ट ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि इतने सारे अलनीनो लानिनो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, तिब्बत का इम्पैक्ट है। तो अभी उसके कारण ये देखा गया कि भारतीय जो मानसून है, इंडियन जो मानसून है, उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फॉर दैट रीजन अभी आप यहाँ पे देखते हैं कि आर्कटिक का एरिया है, यहाँ पे आपके जो जो ज्योग्राफर्स हैं वो मानते हैं कि आर्कटिक एरिया एक ऐसे एरिया जहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय मानसून जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी यहाँ पर उसके लिए हमने भारतीय मानसून को स्टडी करने के लिए वहां पर एक एस्टेब्लिशमेंट जो है वहां पर बना रखा है, इट्स कॉल्ड द हिमाद्री, ठीक है। तो इंडियन जो एक इंडियन इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत है, हिमाद्री, जो वहाँ पे स्वेलबार्ड नॉर्वे के अंदर उसको हमने एस्टेब्लिश किया है, और वहां से हम जो है हमारा दूसरा जो रिसर्च है मिलिट्री से संबंधित रिसर्च है, कि जैसे सियाचिन में हमारे जो सैनिक रहते हैं उनके लिए फैसिलिटीज डेवलप करना है, या फिर इंडियन जो मॉनसून है उसको रिसर्च करना है, तो उसके लिए हिमाद्री हमने वहाँ पे स्टैब्लिश किया है। एंड फॉर दैट रीजन जो है आर्कटिक जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्कटिक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इंडिया उसका लगातार ऑब्जर्वर यहाँ पे बना हुआ है। ओके, सो अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो 2 इंडियन जो हमारे जवान हैं उनको यूनाइटेड नेशन द्वारा यहाँ पे उनके सेक्रीफाइस को यहाँ पे ऑनर किया गया, उनको सम्मान दिया गया है। तो यूनाइटेड नेशन के जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे ये थोड़ा सा हिंदी में यूट्रेस हो गया है, इट्स गुटरेस है, तो उन्होंने यहाँ पे 115 जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उसके 43 अलग अलग देशों की, तो उन्होंने जो भी लाइन ऑफ ड्यूटी के ऊपर उन्होंने जो भी पीस कीपिंग के लिए या फिर शांति की स्थापना के लिए उन्होंने काम किया उसका यहाँ पे उनको सम्मान किया गया। इनका 115 लोगों का वहाँ का बाकायदा नाम लिया गया और उनको श्रद्धा सुमन वगैरह वहाँ पे अर्पित किए गए। तो ये यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स है, तो कई सारे देशों के अंदर, जैसे हम बात करें सोमालिया की, कोंगो में, कई सारे देश के अंदर ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर है जहाँ पे जो आपका बेसिकली आप बोलो कि द प्रॉब्लम ऑफ पीस और जो वॉर वगैरह की सिविल वॉर की सिचुएशन है उससे निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन अपनी एक फोर्स बनाता है, इट्स कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, और उसके अंदर सभी देशों के जो मेंबर्स हैं या जो देश अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहे वहां पर देता है। तो इंडिया उसका वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है। और अभी यूनाइटेड नेशन जैसे एक व्यक्ति है जितेंद्र कुमार, जो इंडियन पुलिस के ऑफिसर, एक इंडियन पुलिस ऑफिसर थे, IPS थे, और इनको जो है यूनाइटेड नेशन का UN ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टेबिलाइजेशन मिशन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मोनुस्को करके एक मिशन था जहां पे कॉन्गो के अंदर शांति स्थापित करनी थी, उसके लिए उनको भेजा गया था, वहां पर उनकी डेथ हो गई। दूसरी वुमन है, उनका नाम है शिखा वर्मा,
तो ये यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी के अंदर, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है उसके अंदर इंडियन का जो इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है उसको रिप्रेजेंट करती थी, और वहां पे जो है इथोपिया का जो भी प्लेन क्रैश हुआ था उसके अंदर उनकी डेथ हो गई इन रिसेंटली इन द मार्च 2019। तो इन दोनों को यहाँ पर सम्मान यहाँ पे दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडक्रॉस डे और पूरे विश्व के अंदर। तो रेडक्रॉस बेसिकली जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हेनरी डोनेंट ने एस्टैब्लिश किया था, और ये अभी वॉर की सिचुएशन में, युद्ध की दशा के अंदर या फिर किसी भी और दशा के अंदर अगर लोगों लोग घायल हो जाते हैं तो उनको यहाँ पे मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करने का रेडक्रॉस काम करता है। अभी आज के समय पे देखोगे तो पूरे विश्व के अंदर जो है रेडक्रॉस के काफी सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर वो फ्री के अंदर या फिर कम रेट के अंदर जो इलाज है वो लोगों को इलाज प्रोवाइड करते हैं। अभी 8 मई जो है वो हेनरी ड्यूरेंट जो है, जो फाउंडर है रेडक्रॉस के और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेडक्रॉस के उसके संस्थापक है ना, 1882 में इनका जन्म हुआ था। तो उनको बेसिकली सम्मानित करने के लिए 8 मई को हम हर साल वर्ल्ड रेडक्रॉस डे का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। अगली खबर की बात करें तो भारत और बांग्लादेश मिलके शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उनके ऊपर एक मूवी यहाँ पर बनाने वाले हैं। जैसे भारत के लिए हमारे महात्मा गांधी हैं, अमेरिका के लिए जॉर्ज वाशिंगटन है, उसी तरीके से बांग्लादेश के लिए शेख मुजीबुर रहमान है जो अवामी लीग के नेता हुआ करते थे, और उन्होंने लंबे समय तक भारत के साथ मिलके जो बांग्लादेश का जो आज़ादी का वॉर है उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और एक बार तो ऐसा मौका भी आ गया था कि उनकी जो पार्टी है अवामी लीग वो पाकिस्तान के अंदर, जो उस समय पे बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, तो उस समय पे वो मेजोरिटी के अंदर आ गए थे, लेकिन पाकिस्तान के जो नेता लोग हैं उन्होंने इनको प्राइम मिनिस्टर वहां का नहीं बनने दिया, और उसके बाद वो लगातार बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ते रहे। इंदिरा गांधी ने उनकी काफी हेल्प की और 1971 वॉर के बाद जो है आपको पता है कि बांग्लादेश आजाद हो गया। तो उनको उसको कमोमोरेट करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए भारत का जो बांग्लादेश का एक ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कॉल्ड बांग्लादेश बेतार, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो है वैसे वहां पर बांग्लादेश बेतार है वो, और आपका जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है फिल्म प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट है या हमारा प्रसार भारती है वो यहाँ पे दोनों मिलके इनके ऊपर एक मूवी बनाएंगे। और उसके अलावा 1971 का जो वॉर था उसके ऊपर जो है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के करके एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी। इस मूवी को जो है श्याम बेनेगल, जो इस तरह की कई सारी मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं, वो इसको पूरा यहाँ पे लीड करेंगे। इसका जो डायरेक्शन है वो उनके द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। अभी 2015 के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए थे तो वहां पर उन्होंने यहाँ पर शेख हसीना और दोनों ने डिक्लेयर किया था कि अभी हम लोग जो है वो इस तरह का मूवी वगैरह बनाने वाले हैं, उसके लिए एक एमओयू साइन हुआ था और उसके ऊपर अब जो है काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो जाने माने गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स जो है उनको यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंशियल मेडल अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है। ये मैच के अंदर देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनको अवार्ड देने के बाद उनसे बात कर रहे हैं। ही वॉज द यंगेस्ट गोल्फर जिनको ये अवार्ड मिला है, फोर्थ गोल्फर है जिनको ये अवार्ड मिला है। उसके पहले जो है अर्नोल्ड पामर एट द एज ऑफ 74, जैक निकल्सन जो है 65 ईयर की एज के अंदर, सॉरी, एंड देन उसके बाद चार्ली सिफर्ट जो है उनको 92 ईयर की एज के अंदर, गोल्फर हैं तीन पहले जिनको ये अवार्ड मिल चुका है। ये जो अवार्ड है यूएस का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है, जैसे हमारे यहाँ पे भारत रत्न होता है तो सेम दर्जे का इसको अवार्ड यहाँ पे माना जाता है। प्रेसिडेंशियल मेडल की बात करें तो इनको वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो भी जिन लोगों की डेथ हुई थी तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो ट्रूमैन थे वर्ल्ड वॉर के समय पे, उन्होंने इसको एस्टैब्लिश वहाँ पे किया है फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिविल, जो सिविलियन जो है उनको सम्मान देने के लिए। लेकिन उसके बाद जो है फिर 1963 के अंदर जो प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी थे उन्होंने इसको फिर से एस्टैब्लिश किया, और उसके बाद लगातार जो है 63 के बाद ये अवार्ड जो है वो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर यहाँ पे दिया जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही फ्रेंड्स, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। साथ ही मेरे इथिक्स का प्लस कोर्स भी यूट्यूब पे चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इंडियन हिस्ट्री का जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके भी कई सारे टॉपिक्स जो है वो मैं चला रहा हूँ, तो उसको यहाँ पर आप जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है तो यहाँ पर जो है आप जाके उनको फॉलो कर सकते हैं, उन कोर्सेज को यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही हिंदी और ज्योग्राफी के कई सारे कोर्सेज जो है यूट्यूब के ऊपर मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। इसको अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ ही इसको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।